खूबसूरत पहाड़ों में एक बहुत ही शातिर किस्म की औरत रहती थी, जो हर आने जाने वाले मुसाफिरों को गलत रास्ता बता दिया करती थी। कोई भी लोग आते थे जंगल में इस खूबसूरत नज़ारे को देखने, तो वो गलत रास्ता गाइड कर देती थी। एक दिन कुछ दोस्त और बच्चे घूमने के लिए आइसलैंड पहुंच गए। उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा तफरी की, बहुत इंजॉय किया। वो कुछ दिन वहाँ रहे भी और साथ साथ वो खूबसूरत वादियों को, रात के नज़ारों को देखकर बहुत खुश होते थे। कुछ दिन के लिए अपने फार्म हाउस पर चार घर रह रहे थे और वहाँ हसीन और दिलकश नज़ारे भी थे। रात की तारीख में वो लोग निकल जाते तफरी करने के लिए और सुबह होते ही उस पहाड़ के खूबसूरत नज़ारों की सैर करते थे। वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे इस प्यारे से आइसलैंड को देखकर। वो दोस्तों के साथ निकल जाते हैं और भी आगे तक के हमें और भी इस जगह का पता चले और हम यहाँ आने वाले दिनों में बसेरा कर सकें। चलते चलते वो बहुत दूर तक जा पहुँचते हैं, इतनी दूर जा पहुँचते हैं कि आने का रास्ता उन्हें पता ही नहीं चलता। सब दोस्त बहुत ज़्यादा इस माहौल से खुश थे। उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक खूबसूरत से कमरे भी बनाए हुए थे। वो रात होते ही निकल जाते सफ़र के लिए और पहाड़ों को, बर्फीले पहाड़ों को इंजॉय करते। साथ साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो नज़ारे होते थे। वहाँ कुछ जानवर भी थे जिनसे जान को नुकसान होने का अंदेशा था। एक दिन वो दोस्त गुफा के एक पुरसरार जगह पर पहुँच जाते हैं। उन्हें यही खबर नहीं होती कि हमें वापस घर भी जाना है। वो इतने मगन हो जाते हैं आइसलैंड के पहाड़ों को, गारों को देखकर कि उन्हें वापसी का रास्ता पता ही नहीं चलता। एक दिन वो पहाड़ के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, जो इस आइसलैंड का आखिरी बर्फी पहाड़ होता है। वो गार में आकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ एक औरत उन्हें देखती है। ये वही चालाक औरत होती है जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया होता है। वो फिर से उस औरत से पूछते हैं कि आंटी, हम रास्ता भूल चुके हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? तो वो चालाक औरत उन्हें कहती है, यहाँ आने का रास्ता तो है पर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं। अब तुम सब मेरी कैद में हो। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस औरत से कैसे छुटकारा हासिल करें जिसने हमें रास्ता ही गलत बताया। वो चालाक औरत बहुत ज़्यादा स्याणी होती है, पर दोस्त हार नहीं मानते। वो इस जुस्तजू से उम्मीद करते हैं कि हम आपस में मिलकर रहेंगे और साथ साथ रहेंगे। कोई भी किसी का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें उस चालाक औरत से बहुत ख़तरा है। वहाँ उन्हें एक बहुत खूबसूरत सा जानवर मिलता है जो उन्हें कहता है कि आप मेरे दोस्त हो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको रास्ता बताऊंगा, पर जब तक आप मेरी मेहमान नवाजी कबूल करें। वो सब दोस्त बहुत खुश होते हैं इस जानवर की बात सुनकर, और अब वो इस टेंशन से बाहर निकल आते हैं कि हमें जाने का रास्ता मालूम नहीं हो सकेगा। वो और
भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं अपने इस टूर को और बिल्कुल टेंशन नहीं लेते किसी भी बात की, ना उस चलाक औरत की कि जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया। वो दोस्तें बर्फबारी में बहुत ज़्यादा खेल रही होती हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय कर रही होती हैं।